हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है जी सॉफ्ट टच वाइटनिंग ब्लीच पर। ब्लीच मैंने सिंपल यूज़ की है, बहुत ही अच्छी ब्लीच है। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, बालों को बहुत अच्छे तरीके से लाइटन कर देती है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपनी ब्लीच को स्किन पॉलिश कैसे बना सकते हैं। ज़्यादातर ब्लीच करने से स्किन जल जाती है और आप इसमें सिर्फ दो चीज़ें मिलाने से आपकी ब्लीच स्किन पॉलिश बन जाएगी, जो कि आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो अभी इसको निकाल लेते हैं। पहले मैं इसको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं और ये कितनी देर तक चल जाती हैं। तो खोल लेते हैं इसको। ये देखें जी, ये 500 ml का जार है, गोल्डन गर कॉस्मेटिक की ये ब्लीच है। पैकिंग की बात करें तो एक नॉर्मल सी पैकिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं और बहुत ज़्यादा बुरी नहीं। इसमें ये जार मिल जाता है, ये तकरीबन 4 से 5 महीने तो इजीली चल जाती है, पॉलिशर भी करें तो भी। साथ इसके पाउडर, ये ब्लीचिंग बूस्टर, ये 2 बॉटल मिल जाती हैं। और इसकी हेल्प से आप क्रीम को आसानी से निकाल सकते हैं। ये नहीं यूज़ करना तो आप इसके ऊपर बना भी सकते हैं, इसके ऊपर ब्लीच बना भी सकते हैं और इसे निकाल भी सकते हैं। जैसे आप काम में लाना चाहें इसको ला सकते हैं। और ये चेक करने के लिए चिन से, अक्सर ब्लीच करने से चिन पर रैशेज हो जाते हैं, तो इसकी हेल्प से उतार के चेक करके, ऐसे उतार के फिर ऐसे लगा के दोबारा यूज़ के लिए, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। तो इस ब्लीच में जी और भी ब्लीच मिल जाती हैं, जैसे कि सॉफ्ट टच की पीच ब्लीच, वो 10 रुपए वाला सैशे देखा होगा आपने। और भी काफ़ी हैं, स्किन पॉलिश भी है इनमें। स्किन पॉलिश की भी मैं वीडियो अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो मैंने वहां पे और भी वाइटनिंग, फेशियल और ब्लीच का बताया, लेकिन आज इसको यूज़ करूंगी फिर आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूंगी। लेकिन आज मैं इसको ब्लीच नहीं बल्कि स्किन पॉलिश बनाकर यूज़ करूँगी। तो बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। ये देखें, ये सॉफ्ट टच की पिंक ब्लीच है, देखें बहुत ही अच्छी क्रीमी सी है। तो इसको निकाल लेती हूँ। ये देखें जी, मेरी नेक के लिए, फेस के लिए मैंने 1 चम्मच ले लिया। इसको ब्रश की हेल्प से निकाल लूँगी मैं। ब्लीच यूज़ करनी है तो ये वाला, स्किन पॉलिश बनानी है तो ये वाला मैं टेबलस्पून यूज़ करूँगी, क्योंकि ये हाफ हाफ होता है। तो स्किन पॉलिश बना रहे इसलिए ब्लीच का मैं ये वाला यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं इसकी स्किन पॉलिश बना रही हूँ। अगर आपने ब्लीच बनानी है तो इतनी सी ये फुल करके डाल लें तो ब्लीच काफ़ी होगी। तो मैं ये डाल लेती हूँ इसको पूरा भर के। ये देखें, भर के डाल दिए इसके अंदर। अब इसके अंदर डालूंगी मैं, इसको बंद कर लेती हूँ बॉटल को पहले, फिर दिखाती हूँ। ये देखें जी, सॉफ्ट टच का ही सूथिंग लोशन इसके अंदर डालूंगी मैं, स्किन जले भी ना और ख़राब भी ना हो। सॉरी, ये नीचे गिर गया मुझसे। सॉफ्ट टच का ही स्किन शाइनर, ये देखें, आप कोई सा भी यूज़ कर लें, एलोवेरा वाला कर लें, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगता हो। ये देखें, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
अगर आपकी स्किन पे इचिंग होती है तो ब्लीच में आप सूथिंग लोशन डाल लें, नहीं तो आप पहले ही अपने फेस पे लगा लें, ठीक है। तो अगर क्रीम यूज़ करते हैं तो तब भी पाउडर थोड़ा सा कम डालें। तो चलें जी, ये रेडी हो गई, अब फेस पे लगा लेते हैं। जी फेस पे जहाँ पे ज़्यादा बाल हैं वहाँ पे पहले लगा लेंगे। जी लगा लिया, 15 से 20 मिनट के लिए इसको लगा रहने देंगे, उसके बाद इसको रिमूव करेंगे। तो दिखाती हूँ 15 से 20 मिनट के बाद। देखें जी, सॉफ्ट टच की जो ब्लीच थी उसको हमने बना लिया था जी स्किन पॉलिश। ये फेस पे 15 मिनट रखने के बाद हमने कर लिया रिमूव। और ये देखें, स्किन बहुत ही शाइनी और स्मूथ सी हो गई है। और जो ये नोज़ पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स नज़र आ रहे हैं, इसको स्टीम की मदद से या फेशियल की हेल्प से हम इसको रिमूव करेंगे। और स्किन बहुत हद तक नीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ जो वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।